तो अलाउड है, इसके ऊपर जाओगे ना तो आपके पास कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात है ये, शाम को 6 बजे आओगे ना तो ये चलेगा, धुआं देता है यहाँ से, पुराने जमाने का। ये देखो, कृपया करके इस लोग को फोटोग्राफी के लिए न चढ़ें, दुर्घटना हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कृपया करके इस पर ना चढ़े, यानी कि यहाँ तक। दोस्तों, मैं इंडिया गेट आया हुआ हूँ, धूप इतनी हो रही है, धूप में देख रहे हो कितने लोग आए हुए हैं, बाहर से आते हैं, यूपी बिहार से आते हैं भाई साहब। इतनी धूप हो रही है कि पूछो मत, जून जुलाई की गर्मी पड़ रही है सितंबर में, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। देखो पब्लिक, देखो कितनी आ रही है, ये देखो भाई, ये देखो पब्लिक कितनी आ रखी है। और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी के बावजूद ना यहाँ पे आंखें नहीं खुल रही, इतनी धूप पड़ रही है। और भाई साहब इतनी पब्लिक आती है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि बैरिकेड लगा दिए यहाँ पे ना, अंडरग्राउंड बना दिए, अगर आओगे ना आप तो कम से कम पहले यहाँ से पार कर लेते थे, अब इसके अंडरग्राउंड बना दिए तो यहाँ तो कोई आदमी दिखता नहीं है। और हमें यहाँ पे ऑटो लगाने की इजाज़त नहीं है। तो भाई यहाँ पे जो है ना सामने चौकी है, पुलिस चौकी, वो सामने पुलिस चौकी है, वो ट्रैफिक वाले भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, तो वहाँ से जो है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो भाई साहब इंडिया गेट न देखा हो तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, इंडिया गेट देख लो आप लोग, ये देखो धूप में इंडिया गेट देख लो, इंडिया गेट देख लिया। तो मैंने सोचा भाई बाहर से जो लोग नहीं आ पाते, तो मैंने सोचा भाई तुम्हें यूट्यूब पे इंडिया गेट दिखा देते हैं। अंदर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि ऑटो हमारे साथ में, तो भाई यहीं से अपना इंडिया गेट दिखा दिया आप लोगों को। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, देख लिया इंडिया गेट, ये देखो भाई। तो ये जो इंडिया गेट के पास में देख रहे हो, रेल का इंजन लगा रखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये इंडिया गेट पे बड़ौदा हाउस थे, तिलक मार्ग है ना जो आईटीओ जाता है, उससे पहले बड़ौदा हाउस है। तो यहाँ पे जो है ना रेल का इंजन रखा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पास में जाके दिखाता हूँ। चलिए, रेल का इंजन रखा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा पुराने जमाने का रखा हुआ है, चलो दिखाता हूँ। चलिए भाई, ये देखो भाई, ये देखो, देखो पटरी भी बन रही है। और शाम को 6 बजे आओगे ना आप, तो शाम को 6 बजे चलेगा भी। ये देखो भाई, बाइक आधा चलता है, ये देखो पटरी बन रही है बाइक आधा, और यहाँ पे धुआं भी देता है ये। ये देखो भाई, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, है ना, बड़ौदा हाउस है ये रहा, देखो बड़ौदा हाउस है ना सामने, ये रहा बड़ौदा हाउस। ये इंडिया गेट का आउटर सर्कल है, यहाँ से आओगे सीधा तो सीधा ये आईटीओ निकल जाएगा, इधर ये वाला भी रास्ता निकल जाएगा आईटीओ यहाँ पे। ये तो ब्लॉगिंग हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा भाई दिखा देते हैं कुछ नया ब्लॉग में, तभी यहाँ से चलते हैं आईटीओ की तरफ, आईटीओ से सीधा घर जाएंगे, थोड़ा जल्दी जाना है आज घर। और शाम को 6 बजे आओगे तो आपको ये इंजन जो है ना चला हुआ मिलेगा, भाई साहब धुआं देता हुआ, चुप 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 करता है, पुराने ज़माने का है ना। चलो अब मैं चलता हूँ, रास्ते में दिखाता हूँ कहीं ना कहीं गांधी जी दिखाता हूँ आपको, गांधी दर्शन कराता हूँ, या फिर मोदी जी कुछ 2 अक्टूबर के बारे में बोलना चाहते हैं, कितने साफ सफाई रखनी चाहिए कितना नहीं। तो LED लगा रखी है बहुत बड़ी बड़ी। चलिए मैं चलता हूँ अभी, दिखाता हूँ आपको रास्ते में। तो ऑटो चला के ना पार्किंग में बैठ गया हूँ, तो अंधेरा भी हो रहा है, लाइट जलाई नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था, मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाया हूँ क्योंकि मूड ज़्यादा अपसेट था, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया था किसी से, तो उसके चक्कर में आँख में थोड़ी दिक्कत थी, चोट लग गई थी आँख में, तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। गणेश विसर्जन था हमारे यहाँ पे, उसका ब्लॉग नहीं बनाया, बस रील बनाई छोटी सी, काम पे भी नहीं गया, 2-3 दिन घर में ही रहा हूँ, बस यही था। बाकी ये कल से जो है अपना ब्लॉग पूरा डालूंगा, पूरा बनाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि बिना ब्लॉगिंग के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सब मेहनत ख़राब है हमारी। क्योंकि जो बॉस टाइम चाहिए होता है ना हमको, वो सिर्फ वीडियो से, यानी कि लॉन्ग वीडियो ब्लॉग डालेंगे। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि 2-3 दिन के बाद में ब्लॉग आ रहा है, लेकिन हाँ मेरे को कमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं कि भाई एक ऑटो वाला यूट्यूबर बन सकता है क्या, तुम्हारी शकल है ना सूरत है क्या, ऑटो चला रहे हो, तुम ऑटो चलाते रहो, यूट्यूब पर काम मत करो। लेकिन वही है ना, थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े दिन टाइम देना पड़ता है, 1.5 साल 1.5 साल 2 साल, उसके बाद में जो कहेंगे वो सब अलग ही होगा। इसीलिए आप किसी की बात ना सुने,
और सिर्फ मेहनत करते रहें, काम करते रहें यूट्यूब के लिए, खास करके यूट्यूब के लिए काम करते रहें। अभी मैं पार्किंग में बैठ गया हूँ, ऑटो मेरा ये रहा मेरा ऑटो, तो मैं पार्किंग में आके बैठ गया हूँ। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि भाई हार नहीं माननी है, यही वीडियो में बहुत बार बोलता हूँ। और कुछ लोग वक्त तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं मेरे को, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई यूट्यूब बंद कर दो। लेकिन जो मैंने सपने देखे हैं ना, जो एक साल बर्बाद किया है मैंने, मैं चाहता हूँ कि मैं वो सपने पूरे करूँ। और प्लस जिनके आज पास जाके करता हूँ ना, सर झुकाना पड़ता है, बस गुलामी सी करनी पड़ती है। जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, हमारे भी जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो पैसे आने लगेंगे तो ऑटोमेटिक ही सबको दिखेगा कि भाई यूट्यूब पे अब कमाई होने लगी है। ये बात हकीकत है, यूट्यूब पे काम कर लो साल दो साल और आप लोग ना अगर दुनिया को ना झुका दो, इसमें इतना पैसा है कि भाई साहब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा सरकार को, GST बनवानी पड़ेगी। यूट्यूब कहता है टैलेंट दो, अपना नया नया टैलेंट दो, निकाल के अपना कुछ भी टैलेंट दो। अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मतलब कहने के ये है कि किसी से लेना देना है, ऑटो की किस्त निकालनी है, झाड़ी निकालनी है, तेल लेना है, पंचर है, रोटी खानी है, तो फैमिली में जाके ना बंदा घिर जाता है। कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं इंसान पर, तो इसीलिए यूट्यूब पर थोड़ा काम करना पड़ रहा है कम। अगर किसी का लेना देना आना हो और YouTube के लिए काम करना हो तो भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ बंद कर दो सब, YouTube पे काम चालू कर दो। मात्र एक साल बर्बाद करनी पड़ेगी आपको। और ये बात हकीकत है, पूरे उस्मानपुर में पूरे गोंडा में ना वो नाम करके दिखाऊंगा। एक दिन 2024 25 26 जो भी टाइम जा रहा है, दो तीन साल बर्बाद हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा काम कर जाऊंगा कि भाई साहब मैं आज सलाम करता हूँ सबको, अगर ना करवा ली। ये बात हकीकत है, YouTube Facebook की ताकत बता रहा हूँ तुम्हें, मैं YouTube Facebook की ताकत बता रहा हूँ मैं आपको। कोई घमंड नहीं दिखाना चाह रहा, ना ही दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, जो मेरी औकात है वही दिखाऊंगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि दूसरों को ना झुका दिया अपने सामने, ये बात हकीकत है कि इसलिए गुमान तो करना नहीं चाहिए, गुमान नहीं करूँगा, लेकिन वही है ना कहने वाली बात होती है दिल में, जो दिल से मेरे निकल रहा है कि आज मैं परेशान हूँ या फिर YouTube पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, टेंशन में रहता दिमाग, किसी का लेना देना भी है, अब किसका नाम ले, बहुत है लेने देने वाले। तो भाई गाड़ी घोड़े ओला उबर आठ आठ गाड़ी थी हमारे पास में भाई, पैसा आता था हफ्ते का 10,000 20,000, महीने का लाखों रुपये आता था हमारे पास लॉकडाउन से पहले। लेकिन अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, समय तो हर इंसान का बदलता है, तो थोड़ा सा और इंतजार करें मेरे जलने वालों, थोड़ा सा और इंतजार करें, ज़्यादा दिन नहीं है, बस 2024 आने वाली है, शायद चुनाव भी आने वाले हैं, तो देखते हैं हमारी किस्मत पलटेगी या मोदी जी, समझ रहे हो ना। बस कहने का मतलब ये था, कल से पूरा ब्लॉग मिलेगा आपको और आज का ब्लॉग देख लेना कृपया करें, थोड़ा सा और कमेंट कर देना, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला आपको, तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बस दिल में से जो निकलता है ना मैं भी बात करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से चलता हूँ भाई, रोटी भी लेनी है, सिलेंडर घर पे ख़त्म हो गया है तो बाहर से रोटी भी लेनी पड़ेगी। और कल से पूरा ब्लॉग मिलेगा, जहाँ भी जाऊँगा पूरा ब्लॉग दिखाऊँगा, पूरा इसको थोड़ा ना पूरा कोई देखेगा ना बंदा, इसको कमेंट कर देना, ठीक है।